आज सौभाग्य से प्रभु राम श्री राम का मंदिर की स्थापना होने की प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। 5 अगस्त को जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि आपने जो प्रयास किया था वो प्रयास और आज का कोर्ट के जजमेंट के आधार पे ये शिलान्यास, तो मैं समझता हूं कि जो हमने प्रयास किया था 1990 में वो बीपी सिंह की सरकार में, चंद्रशेखर की सरकार में जो कांग्रेस पार्टी और चंद्रशेखर की मिली हुई सरकार थी, हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी ने उसमें उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल को उन्होंने जोड़ा था इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। शरद पवार जी जुड़े थे, चंद्रशेखर जी ने भैरव सिंह शेखावत को जोड़ा था, मुलायम सिंह जी, ये तमाम लोगों को लेकर गृह मंत्री की हैसियत से मैं काम कर रहा था। और जो सवाल रोड पे एक इमोशनल होके तनाव और हिंसा में परिवर्तित होता था, उसको मैं टेबल पे ला करके विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि से जुड़े हुए जो साधु संत, अशोक सिंघल से लेकर के आज दालमिया जी, ये तमाम लोग जो नहीं रहे, महंत अवैधनाथ, यो योगी जी के जो गुरु थे, ये तमाम लोगों के साथ बैठ करके ओवैसी साहब, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अध्यक्ष थे ओवैसी, जो आज के नेता है उनके पिताजी, तो ऐसे तमाम लोगों को लेकर के शिक्षाविद, भौगोलिक परिस्थिति के जानकार, ऐसे लोगों को लेकर के मैं प्रयास किया था। और ये एक सरकार में नहीं है, जैसा मैंने कहा बीपी सिंह की सरकार, चंद्रशेखर की सरकार, बाद में कांग्रेस की सरकार जब 92 में बनी तो नरसिम्हा राव जी ने हमें बुला के कहा कि आप ही राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से जुड़े सवालों को जानते हैं। और हमें सब लोगों ने बताया है, हमने बीपी सिंह से पूछा, अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा, चंद्रशेखर जी से पूछा, तो सब ने आपका नाम लिया, आप इसमें फिर से पहल कीजिए। और मैंने पहल किया, फिर से बैठक शुरू हुई, लॉजिकल दोनों तरफ से डॉक्यूमेंट पेश होने शुरू हुए, और जब 2 कदम आगे बढ़े तब एक धर्म संसद के नाम पे बुला करके और कर सेवा करने की बात कही गई, जिसका नतीजा 6 दिसंबर को निकला। 6 दिसंबर की घटना न भी हुई होती तब भी मैं कहता हूं कि इसका समझौता से भी अगर शायद वो घटना नहीं होती, तो समझौता के मुस्लिम समाज के लोग में ऐसे लोग थे देश में जो चाहते थे कि राम प्रभु का जो मंदिर है वो वही बने, अयोध्या में बने। आज ये बात कहेंगे तो कोई मानेगा नहीं, महंत अवैधनाथ जैसे लोगों ने कहा था हमें कि सीता चबूतरा से 2 हम लोगों को दे दीजिए और 1 गुंबद जो है मुसलमान को दे दीजिए। ये ऐसी बातें कही, बहुत सारी बातें उस वक्त के इस गले के नीचे है। तो ये सही में एक आस्था का मंदिर बनने जा रहा है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है इसको राजनीतिक क्षेत्र न बनने दें, इसको सिर्फ प्रभु श्री राम का ही मंदिर रहने दें, क्योंकि सत्ता के लोग जहां शामिल होते हैं
वहां न चाहते हुए भी वो अपनी हद से बाज नहीं आते हैं। इसीलिए कि भगवान सबके हैं, भगवान सभी धर्म के हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से आस्था में विश्वास रखता है। मैं आज अपने आप को तीन सरकारों में पहल करने का जो प्रयास था उसको सफल होते देख रहा हूं, चाहे माध्यम उसका कोटि क्यों नहीं बना, लेकिन जो लोगों से रिश्ता जोड़ने का काम कराया था आज वो सफल हो रहा है।